विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने पवई विधानसभा क्षेत्र में देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल अधीक्षक के निर्देशन और एसडीओपी सौरव रत्नाकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुधीर बेगी और पुलिस दल ने कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने रहुटा से एक युवक को एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के ऊपर अपराध पंजी बंद करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती आरती सिंह और श्रीमान एसडीपी महोदय पवई श्री सौरव रत्नाकर के मार्गदर्शन में लगातार ही पुलिस सर्चिंग कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान कल दिनांक 30/10/2023 को मुखबिर द्वारा बताया गया कि ग्राम रोहटा में एक व्यक्ति अवैध कट्टा लेकर घूम रहा है, तो तत्कालीन पुलिस द्वारा दबिश कार्रवाई की गई, जो आरोपी बद्री सिंह राजपूत निवासी रोहटा के कब्जे से एक अवैध कट्टा एवं दो जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया है। इसी तारतम्य में 22/10/2023 को कछवा पवई में ही सूचना मिली थी, जो आरोपी राजकुमार पाठक निवासी सुनेही के कब्जे से 295 क्वार्टर शराब